वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा, हम जब डिजाइन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह करते हैं, फाउंडेशंस करते हैं, उसमें बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा वर्ड आता है। तो वो क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देखो क्या होता है, आज पढ़ेंगे हम कि क्या होता है, क्या ये छोटी सी चीज है या फिर बहुत बड़ी चीज है, हम देखते हैं। देखो, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू अलाउ द लोड्स कमिंग फ्रॉम द फाउंडेशंस इज कॉल्ड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखो, अब आपको इस डेफिनेशन में थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इसमें है कि कैपेसिटी है, मतलब एक सॉइल की ना, देखो वैसे ही आ रहा है नाम में कि कैपेसिटी, और बेयरिंग का भी आपको पता होता है कि सहना एक तरह का है ना, आप कहते हैं बियर कर रहे हैं हम दर्द को, वही है कि जैसे एक सॉइल है, जैसे लेटिस सॉइल है, तो इस पर कितना ज्यादा लोड बियर हो सकता है ना, तो वो एक वैल्यू आती है। तो वो वैल्यू आपकी, वो मतलब एक कैपेसिटी होती है, तो वो कैपेसिटी को हम कहते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वही देखते हो कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, देखो द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ द लोड्स कमिंग फ्रॉम द फाउंडेशन। देखो, सॉइल में आपको पता है कि नीचे पहले फाउंडेशन आते हैं, फिर ही स्ट्रक्चर बनता है ना, तो पहले फाउंडेशन के वो सारा जो लोड आता है वो किस पे डिपेंड करेगा, सारा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा। कैसे कि अगर आप कोई भी फाउंडेशन अगर आप लगाते हो तो आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ता होता है कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या है सॉइल की, तभी आप डाल सकते हो। अगर कम हुई तो आपका फेलियर भी हो सकता है। अब आप देखोगे ये जो मैंने हमने बनाया हुआ कार्टून सा, आपको तो लग रहा है कि क्या है, ये सिंपल सा स्केच है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है इसमें। देखो, अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि यार एक सॉइल है पूरा अच्छे। देखो, जरूरी नहीं है कि वो हर पॉइंट पे सेम हो, हर पॉइंट पे अलग हो सकता है, हर पॉइंट पे लोड भी अलग लगता है। देखो, अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर पे लोड शायद कम लग रहा हो, इस स्ट्रक्चर पे ज्यादा लग रहा हो। तो देखो, अब समझो यहाँ पे इसकी बेयरिंग कैपेसिटी, लेट अगर मैं कुछ भी यूनिट्स वगैरह में नहीं करता, मैं कहता हूँ यार इसकी 10 थी, ठीक है, इसकी सहने की कैपेसिटी 10 थी, तो यहाँ पे यार 8 लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 9 लग रही थी, तो सह रही थी है। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक की सॉइल में आने में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 है, सेम है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेम ही है, चलो 10 है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी एक 10 है, और यहाँ पे आपकी कितनी लगी, 11 लगी, 12 लगी, ठीक है, या फिर 10 से ज्यादा लगी, तो यहाँ से आपका फेलियर हो गया, ऐसे 10 गया। ये देखो सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर 10 गया ना, तो वो ये कि ये आपको पूरा ऐसे हो जाता है। तो ये आपकी ये जो लोड है ना, ये 10 जो ये कैपेसिटी है, तो इसी हम कहते हैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी आगे यूनिट्स के क्या होता है। देखो, द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, देखो द ग्रॉस प्रेशर, पूरा प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल इज कॉल्ड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो कहते हैं कि जैसे 10 था ना, तो मतलब कि 10 था, तो ये जो 11 हो गया ना, ये हमारा क्या आएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गया। तो मतलब ये वैल्यू जो हमारी आ गई ना, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वैल्यू हमारी आ गई है। तो वो यहाँ पे लिखा था ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विद द सॉइल फेल्स, जैसे ही हमारे सॉइल फेल होता है तो उसी हम वैल्यू कहेंगे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो वो ये कि 10 है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 11 का लोड लगा तो हमारी फेल हो गई, तो उसे हम कह देते अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या, देखो नाउ, देखो बाय कंसीडरिंग डिफरेंट फेलियर कंडीशन, तो हम देखते हैं सारी चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं, फेलियर कंडीशन वगैरह क्या आती है, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऐड कर देते हैं हम, सारा कुछ कर देते हैं, फेलियर कंडीशन भी देख लेते हैं, तो उससे हम क्या निकालते हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालते हैं, एंड द रिजल्टेंट इज कॉल्ड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो SBC हम बोलते रहते हैं बार बार, SBC हम बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में भी कोई भी आ सकता है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा मोस्टली यही आता है, तो SBC वो सिंपल बोल देंगे, या 20 है, 50 है, जितना भी है, चलो ये मैंने कम बोला वैसे, चलो कितना भी है, तो वो आपका SBC लिख देंगे। तो आपको पता नहीं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, क्यू गामा से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से भी हम लिख देते हैं, सिग्मा SBC ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है। तो अब थोड़ी सी देख भी लेते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल्स के लिए कैसी कैसी होती है, ठीक है ना। तो ये हमने देखो कोएसिव सॉइल आ गया, ये हमारी कोएसनलेस सॉइल आ गई, मतलब नॉन कोएसिव सॉइल, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता क्या चीजें हैं तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में हमारे, आपको लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हमारे रॉक्स के लिए भी आप देख सकते हैं। देखो आपको पता चला है कैसे होता है, देखो जो हमारे कोएसिव सॉइल्स है, कोएसिव सॉइल में हमारे देखो क्या, सॉफ्ट शेल, हार्ड और स्टिफ क्ले इन अ डीप बेड, ड्राई स्टेट, ये ड्राई स्टेट में हमारा आ गया, मतलब सूख गया है पूरा। तो इसकी देखो कितने 440 है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी यूनिट्स होती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है, मतलब 440 तो मतलब बहुत अच्छी होगी इसकी, ठीक है ना, मतलब इस पे आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह आप क्रिएट इस पे कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। उसके बाद आता है देखो सेकंड, मीडियम क्ले रेडली इंडेंटेड विद अ थंबनेल, ठीक है, तो वो ये कि एक मीडियम क्ले ही है अभी, क्योंकि अभी बनी बनी है, तो उसका आपको 245 कर सकते हो, ठीक है, मतलब 245 है ये, वैसे तो आपको क्वेश्चन में सारे गिवन होते हैं, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में आपको कहाँ से गिवन होती है,
160 तक देते हैं, 140 टू 170 के बीच में आपको क्वेश्चन में ज्यादा मोस्टली गिवन होते हैं। सॉइल प्रोवाइड करी जाती है, मतलब कि कौन सी सॉइल है, लेकिन आपको सिंपल वैल्यूज लिखी जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी इसमें, आप देख सकते हैं मैं एक एक करके पढ़ूंगा, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि छोटी ही रहे वीडियो, ठीक है ना, बस आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको पता चल गई सेफ बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी और बेरिंग कैपेसिटी होती क्या एक्चुअली। तो बस ये आपका एक पूरा टेबल आप देख सकते हैं आराम से पॉज करके। तो क्वेश्चनलेस के लिए आगे देखो, नॉन क्वेश्चन सॉइल्स के लिए आगे देखो, नॉन क्वेश्चन सॉइल्स की देखो 440 मतलब नॉन कोएसिव सॉइल्स की आपकी ज्यादा बेरिंग कैपेसिटी कंपेयर टू हमारी कोएसिव सॉइल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं देखो लूज एंड ड्राई फाइन सैंड की भी आपकी 100 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सॉफ्ट क्ले की जो कि आपकी पेनिट्रेट हो सकती है थंब से भी, उसकी 50 है। सैंड को भी आप पेनिट्रेट कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप ट्राई कर लेना कभी भी, जब आप करोगे तो आपको पता चल जाए। वेरी सॉफ्ट क्ले को आप पेनिट्रेट करके देख लेना थंब से, और एक बार रेत को करके देख लेना, ड्राई फाइन सैंड को भी देख लेना कि इसमें आपको ज्यादा जोर लगा है, क्योंकि इसकी 100 ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब 50 यूनिट्स आपके इससे ज्यादा सेफ बेरिंग कैपेसिटी। उसके बाद देखो आपकी रॉक्स है, रॉक्स की तो देखो ज्यादा होगी होगी, देखो सॉफ्ट रॉक्स की भी मिनिमम 440 है, और ज्यादा से ज्यादा 3 to 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इसकी है। हार्ड रॉक्स अच्छे ग्रेनाइट, ट्रैप डायोडाइट, तो इनकी सबकी आपकी 3 to 40 होगी। ठीक है, आप पूरा अच्छे से टेबल दे सकते हैं। वैसे इसका कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल्स के लिए कैसी कैसी होती है। तो ये था आज का पूरा हमारा लेक्चर बेरिंग कैपेसिटी सॉइल्स, छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अलग से बना दिया ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगी, हाँ भाई बेरिंग कैपेसिटी सॉइल्स होता है। तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इसके बाद से अब आपको मेन सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल इंजीनियरिंग आपका शुरू होने वाला है, जो कि आपका फेज डायग्राम आएगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका एक तरह का कॉलेज की तरह चले कि हाँ भाई डेली डेली लेक्चर हो रहा है और आपका टाइम पे सारा एक खत्म हो जाए। तो पूरा अगर आपको अच्छे लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल सिम्सेक को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।